गाइज अभी जो हमारे साथ में हुआ है ना, लिटरली हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज फाइनली आज हमारी फ्लाइट है लंदन की, वो भी मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी फ्लाइट, जो कि 9 घंटे की फ्लाइट है। तो 9 घंटे तक हम फ्लाइट में रहेंगे। मेरा बर्थडे भी आ जाएगा बीच में, फ्लाइट में मेरा बर्थडे आ जाएगा। तो भी आ गया ब्रेकफास्ट के लिए, फ्रूट्स और जूस पी रहे हैं। तो अब चाय पीते हैं, इसके बाद चलते हैं रूम में, रेडी होते हैं अब। तो भी गाइस मैं आ गया हूँ होटल के बाहर, मुझे आना है एप्पल स्टोर बिकॉज मैं ले रहा हूँ एयरपोर्ट, बिकॉज 9 घंटे की फ्लाइट है भाई। तो मेरे पास अभी तक एयरपोर्ट नहीं था, तो एयरपोर्ट खरीद रहा हूँ आज मैं। मैप में तो इस वाली बिल्डिंग में दिखा रहा है एप्पल स्टोर, चलते देखते हैं। तो मिल गया एप्पल स्टोर, चलते अंदर अब। सबसे बेस्ट ये वाले, तो ये वाले ले रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट्स प्रो। फाइनली एयरपोर्ट्स ले लिए, बर्थडे तो मैंने खुद को बर्थडे गिफ्ट दिया गाइस। और हाँ, ये व्लॉग कल आएगा तो कल मेरा बर्थडे, तो थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो ये रहे गाइस। तो गाइस फाइनली रेडी हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, हम 3 घंटे पहले निकल रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ करना होगा ना गाइस। एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 2 कैब करनी पड़ रही है, बिकॉज इतना सारा सामान है ना, तो 1 कैब में नहीं आ सकता, 2 कैब करनी पड़ रही है। यहाँ से पास में ही एयरपोर्ट, वैसे 10 मिनट दूर है बस। चार बैग मैं लेके जा रहा हूँ, 4 बैग वो भी लेके जा रहे हैं अंदर। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है गाइस, तो सही है टाइम पे आ गए। देखो अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, तो हम रात के 12:30 बजे पहुँचेंगे। पूरे 12 घंटे का ट्रैवल है अपना गाइस। अभी जो हमारे साथ में हुआ है ना, लिटरली हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। टाइम देखो भाई, 4 बज गए हैं, हम 12 बजे आ गए थे, हम 12 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और 4 घंटे हो गए हमको एयरपोर्ट पे, और हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी है। हमारी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की, हमको पता ही नहीं है भाई। हमने एजेंट से बुक कराई थी, टिकट पर लिखा होता कि 3 बजे की फ़्लाइट है हमारी, लेकिन हमारी सुबह जा चुकी है फ्लाइट भाई, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि हमारी फ़्लाइट है, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी फ्लाइट तो जा चुकी है, जबकि हमने दिखाई उनको टिकट में था कि 3 बजे की है। तो भाई मतलब अभी तक चार घंटे हो चुके हैं, अब जाके हमको टिकट मिली है, वो भी कल रात की 9 तारीख की रात की, वो भी दो बजे की टिकट मिली हमको। लेकिन टिकट्स और भी मिली थी, लेकिन 5 लाख की टिकट्स थी। हाँ, 5-5 लाख की टिकट मिल रही है, 5-5 लाख सिंगल की। सिर्फ जाने जाने की। हाँ, सिर्फ जाने जाने की। मतलब जो हमारे साथ में हुआ है ना गाइस, कभी किसी के साथ में ना हो, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना, बिकॉज अभी तक तो हम फ्लाइट में होते, और देखो 4 बज गए, 4 घंटे से हम एयरपोर्ट पर डोल रहे हैं, कभी किसी से हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन फाइनली हमारी हेल्प की एयर इंडिया वाले, पूरे स्टाफ ने, सब्सक्राइबर था हमारा, तो उन्होंने हमको टिकट अरेंज कराई है, वो भी 2 दिन बाद की, मतलब आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों की रात की टिकट मिली है हमको। मतलब एकदम सदमा सा लगा, एकदम धक्का सा लगा भाई, लाइफ में कभी इतना धक्का नहीं लगा कि भाई फ़्लाइट चली गई है सुबह, जबकि टिकट में है, टिकट दिन की फ़्लाइट की मिल गई हमको, और है हमारी सुबह की फ़्लाइट, बोले तुम्हारी फ़्लाइट जा चुकी है भाई। एकदम से इतनी तेज़ धक्का लगा ना कि भाई फ़्लाइट जा चुकी है, हमको लंदन जाना था, कल मेरा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना था, मीटअप था वहाँ पे लंदन में, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज कल भी हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा, और ऊपर से हम एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा पा रहे अब तो। लेकिन एक बात सही है कि फाइनली टिकट मिल गई हमको, सब्सक्राइबर ने हमको टिकट दिलवा दी है परसों की रात की, नहीं तो भाई टिकट मिलती भी ना, बिकॉज सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है भाई, G20 के चक्कर में सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है। फाइनली हमको मिली, हमारे पैसे भी ऊपर लग गए भाई, 4.5 लाख रुपये पहले लगे थे टिकट के, अभी भी ऊपर लग गए पैसे। तो सबसे बड़ा थैंक है एयर इंडिया के स्टाफ का, वो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूरी हेल्प की हमारी, तो हाँ थैंक यू सो मच एयर इंडिया। हम कहीं घूम भी नहीं सकते भाई दिल्ली में 2 दिन, अब मेरा कल बर्थडे है, कल पूरा दिल्ली बंद है, बर्थडे के दिन पूरा दिल्ली बंद है, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। टेंशन मत, एयरपोर्ट में मनाएंगे हैप्पी बर्थडे। नहीं, बर्थडे की टेंशन नहीं हो रही गाइस, लेकिन हमारा प्लान था ना मीटअप करने का, लंदन जाने का, वो चीज़ मिस हो गई है, सिर्फ एजेंट के चक्कर में हुआ सारा है। और बॉय भैया ने मेरा बर्थडे प्लान कर रखा था वहाँ पे, पूरा सरप्राइज प्लान कर रखा था, बहुत पैसे भी भर रखे थे वहाँ पे, बहुत प्लान कर रखा था बॉय भैया ने, वो सारा कैंसिल हो गया बॉय भैया। अगर हमको पता होता ना हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की है, अभी तक हम लंदन पहुंच जाते भाई। आज लाइफ का सबसे बड़ा पोपट हुआ है मेरा, सबसे बड़ा पोपट, जिसमें पैसे भी घुसे, टाइम भी घुसा, बर्थडे भी घुसा, वो भी के बहुत पैसे, बहुत मेहनत, बहुत कुछ। अगर हमको टिकट मिल जाती ना अभी, कि हम पैसे भर के ले लेते, बट टिकट मिल ही नहीं रही है भाई, 2 दिन बाद की मिली है, सारी फुल है। 11 तारीख की टिकट है, उसके बाद 11 या 13 तारीख को मिल रही है टिकट, नेक्स्ट टिकट। वो तो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने करा दिया हमारा, अब समझ में आ रहा जाए कहाँ, हम आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है हमारे पास, कौन से होटल जाए, कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा भाई। हमने कुछ सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है कभी हमारे साथ, यही बर्थडे मनाएंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, क्यों टेंशन ले भाई, टेंशन ले कोई फायदा नहीं ना गाइस। स्टार्टिंग से जैसे मैं टिकट बुक कर रहा हूँ ना, मैं टिकट बुक की वो फेल हो गई मेरे, 4.5 लाख रुपये अभी तक वापस नहीं आए हैं, इतने दिन हो गए, हफ्ता हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा किसी और से कराया था, कहीं मेरे से कैंसिल ना हो जाए दोबारा से, तो मैंने एजेंट से कराई थी, तो उन्होंने 3 बजे की करी, और अब देखो सुबह की हुई, पता नहीं टिकट में स्टार्टिंग से हो रही है, अब मेरे अभी तक पैसे नहीं आए हैं, मतलब कितने रुपये लग गए हमारे, 4
9 लाख रुपए लग गए, अभी और पता नहीं कितने लगे हैं। गाइस ये रही हमारी न्यू टिकट जो कि देखो रात को 2:40 की अभी परसों की। मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है वो मुझे पता है भाई, स्पेशली बॉबी वेगले, बिकॉज बॉबी वेगले ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, मतलब मेरे लिए नहीं बॉबी वेगले, बॉबी वेगले ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, बहुत सरप्राइजेस, बहुत कुछ जो कि मुझे पता भी नहीं है काफ़ी चीज़ें। तो हाँ बॉबी वेगले का मूड अंदर से बहुत ख़राब होगा, लेकिन बॉबी वेगले शो नहीं कर रहे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, होती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फेस कर रहे हैं, उसे भी फेस कर रहे हैं, क्या पता क्या स्थिति जो है, कई चीज़ें ऐसा ना अच्छाई के लिए भी होती हैं। अभी सारा सामान लेके वापस होटल जाना पड़ेगा हमको 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद आएंगे अब सीधा वापस। गाइस अगर आप इतना सारा सामान लेके अगर एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हो ना, फिर यहीं से वापस नहीं आ सकते, बिकॉज फ्लाइट होती है ना तो सीधा अंदर जाना होता है, बट हमको बाहर जाना है। तो गाइस अभी बॉबी वेगले गए हैं बात करने के लिए सिक्योरिटी वालों से, एयरलाइन वालों से, कि हम बाहर जा पाएँ, बिकॉज हम बाहर भी नहीं जा पा रहे अब यहाँ से। गाइस अब 2 दिन और दिल्ली रुकना पड़ेगा यार, 5 घंटे हो चुके हैं मुझे एयरपोर्ट पे, और 5 घंटे मुझे ऑलमोस्ट कम से कम मैंने 100 सब्सक्राइबर से फोटो खिंचवा लिया है, मूड ख़राब में खिंचवा लिया, तो सॉरी गाइस अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज क्या समझ सकते हो ना पूरी फ्लाइट ही जब मिस हो जाती तो। फाइनली अब जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कौन से रास्ते से बाहर जा रहे हैं भाई, फ्लाइट छूटने के बाद भी दिक्कत है भाई, एयरपोर्ट से निकल भी नहीं सकते। क्या से क्या हो गया भाई, घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि फ्लाइट में बैठ गया, 5 घंटे बाद बाहर निकले हैं, थैंक यू भैया। तो गाइस अब वेट कर रहे हैं टैक्सी का, टैक्सी आ रही है होटल छोड़ के हमको, उसी होटल जा रहे हैं जहाँ पे पहले थे ना हम सुबह। पोपटी तो है, हर चीज को मौज में लो ना, मस्ती में लो, क्या करना है, बर्थडे आज एंजॉय करेंगे मेरे भाई। गाइस हम पता है कितना लेट थे फ्लाइट में, हम 6 घंटा लेट थे हमारी 6 बजे जा चुके, हम 12 बजे पहुँच रहे एयरपोर्ट। गाइस देखो मैं आपको टिकट दिखाता हूँ पुरानी वाली, 3:10 बड़ी टिकट गलत निकली। तो अब सारा सामान वापस डालते हैं गाड़ी में और चलते हैं होटल, ये 5:05 सोचा ही ऐसा भी होगा। फिर से उसी होटल पहुंच गए हम, अब फिर से जा रहे हैं रूम में सारा सामान लेके, फिर से आ चुके हैं रूम पे जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया था, पहुंच गया लंदन। लंदन ये देखो लंदन, अब कल कोई मीटअप नहीं है लंदन में, तो लंदन वाले मीटअप बाद में करेंगे हम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, ये बुरा सपना होता है ना, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी थी। क्या प्लान किया था आपने बता दो, तब तो बता दो, तो फेल हो गया यार। प्लान तो बहुत बढ़िया प्लान करा था, पूरा एक रेस्टोरेंट बुक किया था, रेस्टोरेंट बुक किया था, रात हम जाते वहाँ तेरा बर्थडे सेलिब्रेट, पहले तो एक पूरा एक वो तेरा सब डेकोरेट करता बढ़िया करके, अच्छा एक फ्लैट में पूरा वहाँ केक एक सारा अरेंजमेंट किया था। फिर उसके बाद क्या था, रात को जाते लंदन ब्रिज पे, अच्छा लंदन ब्रिज, हाँ लंदन ब्रिज जाते वहाँ पे फिर घूमते, और नेक्स्ट डे कल का प्रोग्राम ये था कि दिन भर तेरे को पहले लंदन घुमाते, फिर उसके बाद इवनिंग में तेरा मीटअप था। गाइज मेरे तो होने लगे सिर में दर्द, तो मैं सो रहा हूँ, तो अभी सो के उठ गया हूँ, अब मुझे थोड़ा सिर में दर्द ठीक लग रहा है, सही है, अब डिनर करने चलेंगे। बाकी कल मेरा बर्थडे है तो होटल से बाहर जा नहीं सकते, बिकॉज कल पूरा दिल्ली बंद है, तो यहीं पे केक काट लेंगे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। बाय द वे जितने भी लोग मुझे विश करेंगे सबको दिल से थैंक यू सो मच, सॉरी आज मैं लंदन नहीं जा पाया, बट कल रात की फ्लाइट है तो कल चलेंगे। गाइज मुझे ना सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है बॉबी वेगले के लिए, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ प्लान किया था बर्थडे के लिए, पूरी ट्रिप उन्होंने ही प्लान की थी कि भाई तेरी बर्थडे ट्रिप होगी, और काफ़ी कुछ कल के लिए, स्पेशली कल के लिए, बिकॉज कल बर्थडे है ना, और कल हम पहुँच जाते वहाँ तो बहुत कुछ था, तो बस वही मुझे बुरा लगा, अपने लिए नहीं बट उनके लिए, कि उन्होंने इतना कुछ अरेंजमेंट किया, बहुत कुछ किया, बिकॉज उनके रिलेटिव रहते हैं ना वहाँ पे, तो उनके थ्रू उन्होंने करवाया था, बहुत कुछ करवाया था, तो बस वो नहीं हो पाया। और बॉबी वेगले तो अभी भी लग गए हैं सेलिब्रेट करने में, अभी भी देखो चले गए हैं वो, पता नहीं केक वेक का अरेंजमेंट कुछ करेंगे, मुझे पक्की बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। चलो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज फिर से सिर में दर्द शुरू हो गया मेरे, तो अब मैं रेस्ट करूँगा, और कल बर्थडे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। तो हाँ पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं पहली बार आपके साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, फ्लाइट में पहली फ्लाइट है हमारी साथ में, पहली है हाँ, हम जंगलों में तो करते रहते हैं एडवेंचर तो, लेकिन फ्लाइट में पहली बार।